हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन कुक। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं भेज रोल, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्ट बनता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो इसके लिए हमें चाहिए, हम यहाँ पे लिए हैं 100 ग्राम पत्ता गोभी, इसे हम इस तरह बारीक काट लिए हैं। एक कैप्सिकम, इसे भी हम काट लिए हैं, और एक गाजर को हम इस तरह ग्रेट कर लिए हैं। आप चाहे तो इसे मोटे मोटे भी काट सकते हैं। दो हरी मिर्च है, इसे हम बारीक काट लिए हैं, और आधा प्याज को हम इस तरह फाइन चॉप करें और आधा हम रखे हैं गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पर हम लिए हैं रोल बनाने के लिए, हम लिए हैं यहाँ पर 1.5 कप आटा लिए हैं, 1 कप मैदा लिए हैं। तो इन दोनों को मिला के हम एक डो तैयार कर लेंगे। डो बना कर रख लेते हैं, उसके बाद सब्जी फ्राई करेंगे। फ्रेंड, हम इसमें नमक डाल दिए हैं और थोड़ा सा ऑयल डाल दिए हैं। अब हम इसे पानी डालकर अच्छे से गून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, आटा हमारा अच्छे से गुना गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर से हम हल्का सा ऑयल लगा देते हैं। तो हम इसे ढककर रख देते हैं फ्रेंड आधा घंटे के लिए, जब तक हम अपना जो वेजिटेबल है उसे फ्राई कर लेते हैं। तो आइए फ्रेंड, वेजिटेबल को हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दिए हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल डाले हैं। तो फ्रेंड, ऑयल हमारा गर्म हो गया, हम इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च। इसे आपको एकदम जल्दी जल्दी फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमें वेजिटेबल को फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा। अब हम डालेंगे इसमें कैप्सिकम, अब हम डालेंगे इसमें गाजर, अब डालेंगे इसमें हम ये पत्ता गोभी। तो इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक, और गैस को फिर स्लो करेंगे। डालेंगे फ्रेंड इसमें ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर, और डालेंगे इसमें फ्रेंड हम ये 1 पैकेट मैगी मसाला। मैगी मसाला डालने से बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है, और आपको किसी भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये 1 पैकेट मैगी मसाला इसमें डाल दीजिए। हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। आइए फ्रेंड एक बार चेक कर लेते हैं। हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं, हल्का कलर आने के लिए। देखिए फ्रेंड, वेजिटेबल हमारा अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडे करने के लिए रख देते हैं। हमें वेजिटेबल को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसी तरह का चाहिए हमें। तो वेजिटेबल हमारा फ्राई हो गए हैं, अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रहे हैं। तो आइए फ्रेंड हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो डो बनाकर उसे हम देख लेते हैं, और हम पराठा बनाने के लिए छोटे छोटे लोई बना लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, आटा हमारा कितना सॉफ्ट हुआ है। इससे पहले हम इस तरह से जितना बड़ा हमें पराठा बनाना है उतना बड़े बड़े हम लोई बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3 लोई बना लिए हैं। तो फ्रेंड हम पराठा बेल लेते हैं। तो हमें इतना ही बड़ा पराठा चाहिए, हम पराठा बेल लिए। अब हम तवा हम यहाँ पे गरम करने के लिए रख दिए थे, तवा हमारा गरम हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे पहले ऑयल,
ये पराठा तो अब हम इसमें लगाएंगे ऑयल। तो फ्रेंड आइए अब हम रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लगाएंगे इसमें टमाटो केचप, अच्छे से लगाया क्या इसमें हम लगाएंगे चिल्ली सॉस, इसमें रखेंगे वेजिटेबल, इस तरह से आप लंबा करके रखें। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये टमाटर को हम लंबे लंबे स्लाइस में काट लिए हैं इस तरह से। प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया, आप चाहे तो इसमें मेयो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ये भेज रोल बना रहे हैं तो अब इसमें हम इस तरह से चाहे तो आप इसमें आप चाहे तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं या फिर इस तरह का जो बंबू आता है उससे वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड बनकर तैयार है हमारा भेज रोल और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही तुरंत बन जाता है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने फैमिली के साथ फ्रेंड के साथ शेयर करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें मेरी रेसिपी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।